स्टूडियो किचन में आपका दोस्तों स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीन्स का भाजी। हमने एक कढ़ाही लिया है, अभी हमारा कढ़ाही गर्म हो गया है। हम इसमें राई का तेल डालेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है, हम इसमें मेथी हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अभी हम इसमें मेथी डालेंगे। ये खाना डाला है, ये खाना थोड़ा हमारा लाल हो जाएगा। हमारे कैमरा में हमने मोबाइल से रिपोर्टिंग करते हैं दोस्तों, हमारा मोबाइल थोड़ा लाइट उसका वो हो गया था, इसकी वजह से मसाला नहीं दिखा पाए। मसाला हम बता रहे हैं क्या क्या डाला है। इसमें हमने धनिया लिया है और मिर्ची पीसा है हरा, और लहसुन पीसा है, और हल्दी डाला है। यही सब मसाला सादा डाला, थोड़ा सा गर्म मसाला बासा, अभी इसको ऐसे मिलाएंगे अच्छे से। उसके बाद एक जल गया, तेल ऊपर आ गया है, टमाटर भी गल गया है। अभी हम इसमें बटाटा डालेंगे। बटाटा हमने छोटा छोटा टुकड़े में काटा है मीडियम साइज का। अभी हम इसको डालेंगे अंदर, इसको भी 5-10 मिनट ऐसा चलाएंगे, थोड़ा इसका पानी जल जाना चाहिए बटाटे। दोस्तों बीन्स का भाजी का बनाने में बहुत अच्छा होता दोस्तों, रोटी से खाने में बहुत अच्छा लगता है। मसाले में अच्छे से मिल गया है, नीचे लगने भी लगा है। हमारा अच्छे से मसाले में बटाटा मिक्स हो गया है और नीचे पकड़ भी रहा है, तेल ऊपर आ गया है। अभी हम इसके अंदर एक बीन्स डालेंगे। इसको हम 2 मिनट चलाएंगे, इसको मसाले में मिक्स करेंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम अपने हिसाब से डाल लें, आपको बनाने का तो पानी अपने हिसाब से डालना, जितना जन खाने वाले हैं उतने हिसाब से पानी डालने का। हमारे घर पे ज़्यादा जन खाने वाले हैं, इसके लिए हम भाजी ज़्यादा बनाते हैं, पानी भी ज़्यादा डालते हैं। हम इसमें नमक डालेंगे, नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो। हमने नमक इसमें 2.5 चम्मच डाला है। हम इसको आधा घंटा के लिए ढक के पकाएंगे, उसके बाद हमारा भाजी तैयार हो जाएगा, फिर आपको दिखाएंगे। दोस्तों हमारा भाजी तैयार हो गया है, अभी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। दोस्तों हमारा भाजी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों, 10 लाइक तो जरूर करना दोस्तों प्लीज़।